हाँ नेक्स्ट हेक्सोसाइक्लिक कंपाउंड है आपके पास, थायोफिन, ठीक है। आज थायोफिन के बारे में पढ़ेंगे अपन, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज। थायोफिन की बात करें, सबसे पहले इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला मेथड इसको फ्रॉम एसिटिलीन, ठीक है, इथाइन से अपन इसको बना सकते हैं। कैसे बनाया जाता है इथाइन से, तो अपन कह सकते हैं कि इथाइन है अपने पास, इस इथाइन को के दो मोल को आप गर्म कर दीजिए, इथाइन के दो मोल को आप एस्ट्रेस के साथ गर्म कर दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना कैटलिस्ट, ठीक है। इथाइन जैसे अपने पास थ्री मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिलीन जो होते हैं बेंजीन बनाते हैं, वैसे एस्ट्रेस के साथ यदि पर इसको गर्म करते हैं एल्यूमिना कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो आपके पास क्या बन जाएगी, थायोफिन, ठीक है। तो ये अपने पास है थायोफिन। दूसरा मेथड की बात करें तो कहा जाता है कि सोडियम सक्सिनेट, ठीक है, सोडियम सक्सिनेट से भी अपन इसको बना सकते हैं। सोडियम सक्सिनेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो सक्सिनिक एसिड है, उस सक्सिनिक एसिड का सोडियम साल्ट की बात कर रहे हैं अपन, सक्सिनिक एसिड का सोडियम साल्ट, सोडियम सक्सिनेट इसको अपन कहेंगे। इसको अपन गर्म कर सकते हैं फास्फोरस ट्राइसल्फाइड के साथ। जैसे अपन फास्फोरस ट्राइसल्फाइड के साथ गर्म करते हैं, अपने पास थायोफिन बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट एकोलस का मेथड है और वो है अपने पास जैसे एल्काडाइन होता है अपने पास, जैसे कोई एल्काडाइन की बात करें CH2CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ये अपने पास एल्काडाइन है, इसका नाम है अपने पास ब्यूट 1,3-diene, ठीक है। तो 1,3-butadiene है और 1,3-butadiene को आप किसके साथ गर्म कर दें, सल्फर के साथ गर्म कर दें, एस्ट्रेस साइड प्रोडक्ट निकल जाता है ऊपर और आपके पास क्या बन जाएगा, थायोफिन, ठीक है। तो इथाइन से इसको अपन बना सकते हैं, इथाइन के टू मोल्स को अपन एस्ट्रेस के साथ गर्म कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना, सोडियम सक्सिनेट को फास्फेट ट्राइसल्फाइड के साथ गर्म करते हैं, या फिर कोई 1,3-butadiene को सल्फर के साथ गर्म करते हैं, तो अपने पास क्या बन जाती है, थायोफिन बन जाती है, ठीक है। एक बात करें अपन ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन से भी बना सकते हैं इसको। नंबर फोर जो मेथड है इसका, तो एल्केन से बनाया जा सकता है, जैसे ब्यूटेन से बनाना है अपन को, ब्यूटेन अपने पास CH3CH2CH2CH3, ये ब्यूटेन को भी आप सल्फर के साथ गर्म कर दो, जैसे आप सल्फर के साथ गर्म करोगे एस्ट्रेस बाहर निकल जाएगी, वो साइड प्रोडक्ट, ठीक है, थ्री मोस बाहर निकल जाएंगे इसमें और अपने पास क्या बन जाएगा, थायोफिन। तो ब्यूटेन से भी इसको बनाया जा सकता है। नेक्स्ट अपने पास एक है पॉलनॉल सिंथेसिस, जिसको अपन बना सकते हैं और उसमें अपन क्या करते हैं कि 1,4-dicarbonyl जो कंपाउंड होता है उसको सल्फर वाले कंपाउंड के साथ क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे और अपने पास क्या बन जाएगी, थायोफिन बन जाएगी, ठीक है। लेकिन उस 1,3-dicarbonyl कंपाउंड की बात कर रहे हैं, जैसे ये अपन ने लिख दिया 1,3-dicarbonyl कंपाउंड, जैसे आप इसको फास्फोर ट्राइसल्फाइड के साथ गर्म करेंगे आपके पास थायोफिन बन जाएगी, और थायोफिन लेकिन कौन सी होगी, प्रतिस्थापित थायोफिन, ठीक है, प्रतिस्थापित थायोफिन ही बनती है हमेशा पॉलनॉल सिंथेसिस से। पायरल में भी मेथड पढ़ा था, फ्यूरियन में पढ़ा था, थायोफिन में भी अपने मेथड पढ़ा है पॉलनॉल सिंथेसिस। नेक्स्ट बात करते हैं अपने इसकी स्ट्रक्चर की और रेजोनेंस की, तो थायोफिन में खास बात है, ठीक है, थायोफिन एक अपन ने पढ़ा था पायरोल और एक अपन ने पढ़ा फ्यूरेन, इन दोनों से डिफरेंस इसका है थायोफिन में कि थायोफिन में सल्फर होता है जबकि
पाइरोल में नाइट्रोजन और फ्यूरेन में ऑक्सीजन है। थायफिन में जो हाइड्रो एटम सल्फर जो होता है इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, नाइट्रोजन के पास नहीं होते, ऑक्सीजन के पास नहीं होते। थायफिन में सल्फर के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण इसकी जो अनुवादी संरचनाओं की संख्या है वो पायरेन और फ्यूरेन से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, रीजन सल्फर के पास वेकेंट डी ऑर्बिट। बात करें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में एरोमेटिक सस्तक बनता है वैसे बनता है जैसे इनमें बनता है। ठीक है कि प्रत्येक कार्बन होता है, प्रत्येक कार्बन के पास एक एक अपने पास इलेक्ट्रॉन होता है और सल्फर के पास दो इलेक्ट्रॉन। ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं या ओवरलैपिंग करते हैं वो कोलेटरल ओवरलैपिंग और एरोमेटिक सस्तक बनाते हैं। इस कारण थायफिन इज एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, थायफिन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है अन्य हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की तरह। नेक्स्ट इसके अपन प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की बात करते हैं, इसमें साथ प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहां होगी, तो पायरोल में भी कहा था अपन ने, फ्यूरेन में भी कहा था कि प्रतिस्थापन जो होगा ये वन पोजिशन, ये टू, ये थ्री, ये फोर और ये फाइव, टू और फाइव पर होती है, थ्री और फोर पर नहीं होती। तो रीजन वही है यहाँ पे भी जो पहले अपन ने पढ़ा था कि टू और फाइव पर जब होती है तो उसके अनुनादी संरचनाओं की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, जबकि थ्री और फोर पर जब इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है तो उसके अनुनादी संरचनाओं की संख्या क्या होती है, कम होती है। इस कारण प्रतिस्थापन हमेशा कहाँ होगा, टू पे और फाइव पोजिशन पे ही होगा। इसकी जितनी भी अपने पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है थायफिन की वो दो और पांच पर होती है। जैसे बात करें अपन हेलोजिनेशन की, ठीक है, हेलोजिनेशन करवाएं थायफिन का, थायफिन अपने पास है, इसका हेलोजिनेशन करवाएं क्लोरीन से करवाएं। ठीक है, क्लोरीनीकरण करवाते हैं, बहुत कम टेम्परेचर पे रिएक्शन पॉसिबल, -30°C। खास बात दो उत्पाद बनते हैं इसमें अपने पास Cl, सेकेंड पोजिशन पे Cl अटैच होता है, दूसरा जो उत्पाद है उसमें सेकेंड भी होगा और नंबर फाइव पोजिशन पे भी प्रतिस्थापन होता है हेलोजन का। तो दोनों उत्पाद इसमें क्या होते हैं, बनते हैं। ब्रोमीन की बात क्या है, ब्रोमिनेशन की, अगर आप ब्रोमीन से रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन तो अपने पास जो उत्पाद बनेगा वो 2 and 5 dibromo thiophene बने। ठीक है, अगर आपको मोनोहैलोजन ही प्रतिस्थापित करना है तो आपको लेना पड़ेगा NBS, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, और एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड से ही केवल एकल प्रतिस्थापी उत्पाद आपके पास प्राप्त हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड से ही आपके पास 2-bromothiophene बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें नाइट्रीकरण की। ठीक है, नाइट्रीकरण करवाते हैं HNO3 से करवा रहे हैं, और HNO3 से कराते हैं तो नाइट्रीकरण में कौन सा समूह प्रवेश करेगा, NO2 कहां करेगा, दो पे और पांच पे करेगा। तो अगर एसेटिक एनहाइड्राइड का अपन यूज करें, ठीक है, एसेटिक एनहाइड्राइड तो अपने पास प्रतिस्थापन हो जाता है, थायफिन में सेकंड पोजीशन पे NO2 समूह लग जाता है और 2-nitrothiophene अपने पास क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। बात करें सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण भी करा सकते हैं H2SO4+HNO3 से सल्फोनीकरण होगा और थायफिन जो है उस थायफिन में कौन सा समूह प्रवेश करेगा, SO3 समूह प्रवेश कर जाएगा, तो ये सल्फोनीकरण। एसिटिलीकरण की बात करें तो एसिटल क्लोराइड से करा सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड से भी करा सकते हैं अपन, एसिटल समूह प्रवेश करेगा, एसिटल समूह कहां प्रवेश करेगा, वही सेकंड पोजीशन पे, तो एसिटाइल समूह जुड़ गया तो एसिटाइल थायफिन बन गया। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया और कहां हो रही है अपन देख रहे हैं, सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे जब प्रतिस्थापन होता है तो अधिक अनुनादी संरचनाओं द्वारा स्थापित हो जाता है, क्योंकि इस कारण सेकेंड पोजीशन पे क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन होता है। एक बात करें पर हेलोजनीकरण नाइट्रोजन सल्फोनीकरण हो गया अपने पास, एक रिएक्शन इसकी एन ब्यूटाइल लिथियम से बड़ी अच्छी रिएक्शन है, और भी अपने पास 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को देते हैं
जैसे इसकी रिएक्शन कराएं C4H9 लिथियम, ठीक है, एल्किल लिथियम कंपाउंड है ये, और एल्किल लिथियम कंपाउंड जब इसकी रिएक्शन कराते हैं अपन, तो ये प्लस और ये माइनस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 2-लिथियम थायोफिन। और 2-लिथियम जो थायोफिन है बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, और इसका आगे अपन रिएक्शन करा सकते हैं CO2 से। जैसे आप इसकी CO2 से रिएक्शन करते हैं लिथियम हट जाता है, और लिथियम की जगह कौन सा समूह प्रवेश कर जाता है थायोफिन में, C OH, ठीक है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है भी एक लिथियम कंपाउंड से, ज्यादातर 5-मेंबर हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड इस रिएक्शन को देते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें एक अपचेन की, तो इसका अपचेन अगर अपन रेनेनिकल से करवाते हैं, ठीक है, रेनेनिकल, तो कहा जाता है कि ब्यूटेन बन जाती है। क्या बन जाती है? ब्यूटेन। अपचेन हाइड्रोजन काम में लेंगे अपन, और हाइड्रोजन का जब यूज होगा तो एक एक एच सबके पास जाएगी, H2S साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है, और आपके पास एन ब्यूटेन अगर रेनेनिकल से करवाते हैं तो बनता है, ठीक है। दूसरे कंपाउंड से भी इसका रिएक्शन करा सकते हैं और अपने पास अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। एक अपने पास है ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण अपने पास ये थायोफिन है, थायोफिन का सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म की बात करें अपन, और इसका अगर अपन ऑक्सीकरण करवाते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है, ये वाला कंपाउंड अपने पास बनता है, और उसको अपने कहते हैं सल्फोन, चक्रीय सल्फोन। ये कंपाउंड अपने पास बनते हैं जो कि मेडिसिन में भी ये काम में लाया जाता है। तो ये अपने पास थे इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, नॉर्मल रिएक्शन से इसकी जो सभी 5-मेंबर हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड देते हैं। एक बात करें डिसेंडर रिएक्शन की, डिसेंडर रिएक्शन अपन ने पढ़ी थी फ्यूरेन में, ठीक है, तो कहा जाता है कि थायफिन जो होता है वो डिसेंडर रिएक्शन नहीं देता, ठीक है, थायफिन कौन सी रिएक्शन नहीं देता, डिसेंडर रिएक्शन नहीं देता, इससे इसकी अभिक्रिया नहीं होती, ये प्रोडक्ट नहीं बनाता। तो ये अपने पास थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थायोफिन।